नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर एक एक्टिवा किस तरह से चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बस के नीचे आ जाती है और तीन तीन पुलिस वाले इस बस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बस जो एक्टिवा है वो नहीं निकल पा रही। अब सवाल ये है कि अगर एक्टिवा का ये हाल हुआ है तो एक्टिवा सवार का क्या हुआ होगा। ये देखिए किस तरह से तेज रफ्तार चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनियन की जो बस है, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की जो बस है, उसने क्या हाल किया इस एक्टिवा का। पूरी तरह से टोटल लॉस ये एक्टिवा हो चुकी है, पूरी तरह से जो एक्टिवा है तहस नहस हो चुकी है। और किस तरह से एक एक्टिवा सवार अपनी एक्टिवा को छोड़कर भाग जाता है जब ये बस सामने से आ रही होती है। और बताया जा रहा है कि ये जो बस है ये किस तरह से तेज रफ्तार गति से इस फुटपाथ के ऊपर चढ़ जाती है। फिलहाल पुलिस मौके पर है, एक्टिवा को निकाल लिया गया है और अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ जो कार्रवाई है वो की जाती है। जो एक्टिवा सवार है उनकी जान जरूर बच गई है, उनकी जान जरूर बच गई है। भैया कितनी पुरानी गाड़ी थी आपकी ये? सर अभी देखो, ये अभी तो मेरा नाम होनी है सर जी। अच्छा, किसी और के नाम है? आप सेकंड हैंड लिए थे? नहीं, हाँ जी सेकंड हैंड ली थी। कितना टाइम पहले खरीदी थी? दिखा देते आप देख सकते हैं कि जिनकी ये एक्टिवा है पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, जलेबी लेकर अपने दोस्तों के लिए जा रहे थे नए साल की बधाई देने के लिए। और ऐसे में जो सीटीयू की बस है, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की जो बस है, वो किस तरह से फुटपाथ पर चढ़ जाती है और ये अपनी एक्टिवा छोड़कर, आप एक्टिवा छोड़कर क्यों भाई साहब, एक्टिवा छोड़कर क्यों भाग गए थे? हाँ जी, एक्टिवा छोड़ के मैं तो वहां भाग गया। मैंने देख लिया भैया फोन पे बात कर रहे थे, बस तो डिवाइडर पे चढ़ गई थी, ऊपर आ गई थी जो है वो साइड में आई थी पूरी। तो फिलहाल इनकी जो एक्टिवा है उसके दस्तावेज वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और बस यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। बस को सेक्टर 9 चौकी में लेकर जाया जा रहा है और ये देखिए ये हाल हुआ है एक्टिवा का, ये हाल हुआ है एक्टिवा का। और एक्टिवा पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सीएम सिटी करनाल की ये तस्वीरें हैं जहां से आप देख सकते हैं कि बुरे तरीके से जो एक्टिवा है वो किस तरह से यहां पर तहस नहस होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल डायल 112 की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई थी, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और जिनकी ये एक्टिवा है वो सामने आपने बताया कि किस तरह से वो अपनी जान बचाकर एक्टिवा छोड़कर यहां से भाग जाते हैं। डायल 112 की जो टीम है वो सबसे पहले मौके पर पहुंचती है। खंभों में बिठती, दिखाता मैं आपको, दिखाता हूं कहां से चढ़ी बस। बचाव हो गया कि हां जी, वो देखो बस कहां से चढ़ी, वो दिखाता हूं आपको। आप देखिए कि ये प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जिनकी ये एक्टिवा थी और ये खुद बता रहे हैं कि बस आखिर चढ़ी कहां से है, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, क्यों ड्राइवर को नहीं पता लग पाया कि सामने से जो एक एक्टिवा सवार है वो जा रहे हैं यहाँ से चढ़िए। जी ये देखो टायर के निशान गिर जी, ये यहाँ पे थे। हाँ लेकिन ये थोड़ा ना, ये देखो यहाँ से ना, ये देखो ये टायर चढ़ते ये देखो ये चढ़ रहा है, ये चढ़ रहा है यहाँ से। कितनी दूर आपकी एक्टिवा को घसीटते हुए ले गया ये? वहाँ जाके रुके आपके सामने जी, आधा किलोमीटर के आसपास एक्टिवा ने रोकी है, उसने नहीं ब्रेक मारे। क्या नाम है आपका? गुरिंदर कुमार है। ये देखो ये किस तरह से, ये देखिए ऊपर एक्टिवा को घसीटते हुए किस तरह से जो बस है वो ले जाती है और एक्टिवा का जो हाल हुआ है वो आपके सामने है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सीएम सिटी करनाल में सेक्टर 9 से जो आईटीआई चौक की तरफ जो रास्ता जाता है वहां पर ये पूरा हादसा हुआ है और किस तरह से एक्टिवा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और इसी एक्टिवा में ये देखिए जलेबियां भी कुछ बीच में दिखाई दे रही हैं जो अपने दोस्तों के लिए ये लेकर जा रहे थे और एक्टिवा का पूरी तरह से नुकसान हो चुका है, खत्म हो चुकी है। HR05AW5036 इसका नंबर है। फिलहाल भाई साहब अब सेक्टर 9 चौकी ले गए हैं जी। सर तो क्या कार्रवाई की जाएगी? बस सर अभी इसको ले जाते हैं चौकी में, बस चली गई है वहाँ। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश सेक्टर 9 चौकी से? हाँ जी सर, सेक्टर 9 चौकी से हैं, ओम प्रकाश हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से
ये पूरा हादसा हुआ। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल सीएम सिटी करनाल में आईटीआई चौक पर जो ये बड़ा हादसा हुआ है, ये एक सबक लेने वाला हादसा है कि सामने से जो बस है वो किस तरह से तेज रफ्तार आ रही थी। जो शख्स था वो अपनी एक्टिवा को छोड़कर भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए, जान बच जाती है लेकिन एक्टिवा पूरी तरह से फिलहाल खत्म हो गई है। जो प्रत्यक्षदर्शी है बस के अंदर बैठे हुए थे, भाई साहब आपका क्या नाम है, कहाँ से बैठे थे? कहाँ मैं, मेरा जी मैं आईटीआई चौक से लेकर पानी पर जाता हूँ डेली, यहीं से बैठा। आईटीआई चौक से बैठा था मैं, ड्राइवर की आगे वाली सीट पर मैं खड़ा था। अच्छा, इसने क्या किया, इसने आईटीआई चौक से पीछे से बातें करता रहा फोन पे, फोन चल रहा था इसका, जो है झूठ बोल रहा है कि फोन में बात नहीं कर रहा था मैं। तो इसने क्या किया है कि बिल्कुल बराबर में दवाई फुटपाथ के, वो तो इस भाई ने आते हुए देख लिया था उसको। इसने क्या किया, स्कूटी अपनी छोड़ दी, इसने ब्रेक नहीं मारी है कि बस वाले ने ब्रेक मारी हो, वो तो स्कूटी पिछले टायर फंसी है तो जाकर गाड़ी रुकी है। अच्छा, तो इसके कर्म बड़ी आदत बस क्या नहीं, इसका जाने इसके तो बंदा चला गया। और आपने किया था? हाँ, फोन मैंने किया था आपको जी। आपको भी मैंने किया, 112 नंबर को भी मैंने किया था फोन, इसलिए मैं रुका हुआ। हाँ जी, इसलिए मैं रुका हुआ था, मैं आपका फॉलोअर बहुत पुराना हूँ। धन्यवाद जी। अरुण यादव जी हैं और बता रहे हैं कि आगे बैठे हुए थे प्रत्यक्षदर्शी हैं, बस ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था जिस वजह से ये हादसा हुआ है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सेक्टर 9 चौकी से जो आईओ हैं वो मौके पर फिलहाल पहुंचे हैं देखने के लिए कि आखिर पूरा हादसा कैसे हुआ है, क्या हादसा हुआ है और अब क्या कुछ इस पूरे मामले में किया जाएगा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस एक्टिवा का हाल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर एक्टिवा सवार आगे आ जाते तो आखिर उनका क्या होता, क्योंकि पिछले पहियों अगले पहियों ने एक्टिवा को कुचल दिया और पिछले पहियों को जाकर इसी एक्टिवा की वजह से रोका गया। यही एक्टिवा इस वजह से पूरी तरह से तहस नहस हुई क्योंकि पिछले पहियों के नीचे ये आ जाती है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।